हे गाइस, कैसे हो सब? आशा करता हूं आप सब एकदम बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोगों को सिखाने वाला कुछ इस टाइप का KTM बाइक फोटो एडिटिंग। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को ये वाला बैकग्राउंड को करना होगा पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ओपन। उसके बाद गाइस हम लोग अपनी फोटो को इस पर ऐड करेंगे। उससे पहले गाइस हम लोग एक PNG को इस पर ऐड कर लेते हैं, KTM वाली PNG को। तो सबसे पहले गाइस हम लोग यहां पर जो ऐड फोटो का ऑप्शन नजर आ रहा होगा तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। और गाइस यहां पर क्लिक करने के बाद जो हम लोग उस KTM वाली PNG को लेना होगा। और गाइस यहां पर इस तरह से लेने के बाद सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। एंड रोटेट करने के बाद इसे कुछ इस तरह से थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेंगे। और यहां इस तरह से गाइस हम लोग इसके नीचे वाले ऑप्शंस को इस तरह से हम लोगों को करना होगा। और यहां से हम लोग थोड़ा सा इस तरह करेंगे और इसकी और भी नीचे टाइप से रोटेट कर देंगे और इसको थोड़ा सा और हम लोग बड़ा कर लेंगे गाइस। और यहां से गाइस इस तरह से थोड़ा सा और हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं। एंड यहां पर इस तरह से आप लोगों को सेटिंग रखना होगा। और यहां से गाइस जब जैसे ही हम लोग इस तरह से रखेंगे तो अब हम लोग यहां पर अपनी फोटो को इस पर ऐड करना होगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर से सबसे पहले हम लोग कर देंगे राइट। उसके बाद गाइस जब हम लोग फोटो को इस पर ऐड करेंगे तो गाइस यहां पर हम लोग ऐड फोटो पर क्लिक कर लेंगे। और ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को जो अपनी फोटो को ऐड करना होगा। तो गाइस हमारी फोटो यहां पर इस तरह से है। तो हम लोग अपनी फोटो को ऐड कर लिया हूं। यहां पर इसका जो है बैकग्राउंड रिमूव नहीं है, बस इसको मैं वन क्लिक में ही रिमूव करूंगा। सबसे पहले गाइस अपनी फोटो को इस तरह से हम लोग बड़ा कर लेंगे। और जैसे ही हम लोग इस तरह से बड़ा करेंगे गाइस तो हम लोगों को यहां पर जो है एक इरेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। और इरेजर पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को यहां पर जो एक पार्सोन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर गाइस हम लोग क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो की बैकग्राउंड यहां से रिमूव हो जाएगी। तब हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहां पर जो है हम लोग यहां पर इसको एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी हार्डनेस को हम लोग पूरा इंक्रीज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। एंड अब हम लोग थोड़ा सा फोटो को जूम करेंगे। और फोटो को जूम करने के बाद हम लोग जो है अपनी यहां पर जो है सबसे पहले हम लोग इसको कर लेंगे इन्वर्ट। और इन्वर्ट करने के बाद हम लोगों को जो है अपनी ये टायर पर जो है इस इफेक्ट को ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले गाइस हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इरेजर पर क्लिक करेंगे और यहां इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को फटाफट से कर देता हूं, करके दिखा देता हूं और थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूं, नहीं तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। गाइज यहां से आप लोगों को इस तरह से बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद यहां से करना होगा आप लोगों को राइट। एंड राइट करने के बाद गाइज यहां से भी हम लोग कर देंगे राइट। अब गाइज यहां पर आपकी फोटो की क्वालिटी कितनी ज्यादा कमाल के यहां पर नजर आ रही है। तो गाइज हम लोग यहां पर शूज पर जो है एक PNG का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर ऐड फोटो पर क्लिक कर लेंगे। और ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद हम लोग जो है गाइज उस PNG को सबसे पहले ले लेते हैं। तो गाइज हम लोग इस PNG को लेंगे। एंड लेने के बाद इसकी साइज को हम लोग छोटा करेंगे थोड़ा सा। और छोटा करने के बाद यहाँ इस तरह से हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं। और छोटा करने के बाद इसको थोड़ा सा और हम लोग छोटा करते हैं। और यहाँ पर हम लोग अपने शूज पे इस तरह से इसको लगा देंगे गाइज। और लगाने के बाद इसकी हम लोग थोड़ा सा ओपेसिटी को कम करेंगे। तो यहाँ इस ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसकी ओपेसिटी को हम लोग इतना कम कर लेंगे। और इतना कम करने के बाद गाइज हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं इस तरह से। एंड अब हम लोग इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लेना पड़ेगा। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद क्लिक करने के बाद एक डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। एक गाइज आपकी यहाँ पर क्या हो गया कि एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको हम लोग लगा देंगे। एंड इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा और कम कर लेंगे। और गाइज यहाँ से इस तरह से रखने के बाद हम लोगों को अपने जो है बाइक की टायर पे भी लगाना होगा। तो गाइज हम लोग इस पर भी एक बार क्लिक करेंगे और फिर इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी ले लेंगे। और लेने के बाद गाइज हम लोग इस तरह से थोड़ा सा साइज को बड़ा करेंगे। एंड यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से इसको लगा देंगे और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पर गाइज हम लोग इस तरह से लगा लेंगे। और लगाने के बाद हम लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा सा और हम लोग इसको इस तरह से लगा लेते हैं। और देख सकते हैं आपकी बाइक की क्वालिटी यहाँ पर कितनी ज़्यादा नज़र आ रही है, कितनी ज़्यादा अच्छा से। तो यहाँ से हम लोग कर देंगे गाइज राइट। अब राइट करने के बाद हो चुके हैं यहाँ से हमारी काम खत्म। तो हम लोग इस फोटो को लेकर के चलेंगे गाइस अपने यहाँ लाइटरूम मोबाइल के अंदर और वहाँ पर इसकी कलर को एडजस्ट करेंगे। तो गाइस हम लोग इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद इस ड्रॉ पे क्लिक करेंगे। एंड ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद यहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे आप लोगों को, 3 डॉट का आइकन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। एंड आप लोगों को मिलेगा सेव इमेज का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। अब गाइस हम लोग इस फोटो को लेकर चलते हैं अपने लाइटरूम मोबाइल के अंदर। और जैसा कि गाइस आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग अपने लाइटरूम मोबाइल के अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग इस ऑल फोटोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद हम लोग अपनी जो है इस प्रीसेट को सबसे पहले ओपन करेंगे।
तो जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर गाइज देख ही पा रहे हो कि ये वाली प्रीसेट को हम लोग कॉपी करना होगा सबसे पहले। तो इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो आप लोगों को कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा गाइज, तो यहाँ से हम लोग कॉपी सेटिंग कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे राइट। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये वाली कॉपी सेटिंग हो जाएगी, मतलब ये वाली प्रीसेट आपकी कॉपी हो जाएगी। तो अपनी फोटो पर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, तो हमारी ओरिजिनल फोटो कुछ इस तरह से है। तो हम लोग इसकी थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग पे सेटिंग करेंगे गाइस, तो आपकी वन क्लिक में फोटो कुछ इस तरह से एडिट हो जाएगी, जो देखने में काफ़ी औसम सी लग रही है। तो गाइस हम लोग इस वाले ऑप्शन पे फिर भी एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा एक आर्टिस्ट फोर का ऑप्शन, आर्टिस्ट थ्री का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद गाइज हम लोगों को यहाँ से कर देना होगा ऊपर में एक राइट का ऑप्शन होगा, यहाँ से कर देना होगा राइट। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे गाइज, आपकी पूरी की पूरी फोटो यहाँ पर एडिट हो जाएगी। आप बिफोर एंड आफ्टर भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चेंजेस और कितनी ज़्यादा कमाल की यहाँ पर फोटो आप लोगों की नज़र आ रही है। इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे गाइस और यहाँ पर आपको कुछ सेव टू डिवाइस कर देना होगा और ये वाली फोटो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो आई होप गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मेरे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।